में लग रही है तीन वन की परिक्रमा, वृंदावन, मथुरा और गरुण गोविंद। अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे भी जो श्रद्धालु हैं वो कंटिन्यू परिक्रमा लगा रहे हैं। तीन वन की परिक्रमा वृंदावन, मथुरा, गरुण गोविंद, ये अक्षय नवमी के दिन लगाई जाती है। अक्षय नवमी के दिन परिक्रमा लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप देखिए, हम लौट रहे थे गोवर्धन से, तो हमको इसलिए ये दर्शन हुआ रात्रि वाला। और ठंड का टाइम है लेकिन श्रद्धालु नंगे पैर अनवरत रूप से परिक्रमा अपनी कर रहे हैं। और ये देखिए, हाईवे आ चुका है, ये जो सीधा रोड जाता है ये जाता है दिल्ली की तरफ, यानी कुछ ही दूरी पर आगे वृंदावन का कट आएगा, गरुण गोविंद के दर्शन होते हैं। और पीछे मतलब आपके जो कैमरे की बैक साइड में मतलब इधर की तरफ कैमरा घुमाएंगे, वो रास्ता जाता है आगरे के लिए। तो वृंदावन की जो यहाँ से दूरी बैठती है वृंदावन की, वो बैठती है लगभग 3 किलोमीटर वृंदावन मोड़ की। फिर देखिए, फिर हमको श्रद्धालु मिलते हैं रात्रि में। और रात्रि में इतनी ठंड है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन परिक्रमा अभी भी वही लग रही है। फिर देखिए आगे के टाइम, दिन में तो सुबह के टाइम तो परिक्रमा एकदम जोर शोर से, दिन के टाइम तो परिक्रमा पूरी चली थी। आज हमने वृंदावन की परिक्रमा करी थी क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो हम भी तीन वन की परिक्रमा लगाते। हमने भी परिक्रमा लगाई है, तीन वन की बड़ा आनंद आता है। और जो वृंदावन वाले तीन वन की परिक्रमा लगाते हैं अक्षय नवमी वाले दिन को, वो अपनी परिक्रमा देवोत्थान एकादशी को पूरी करते हैं। तो ये वाली अक्षय नवमी तो निकल गई, लेकिन 2024 में जो अक्षय नवमी आएगी, आप भी परिक्रमा जरूर करें अक्षय नवमी वाले दिन, और देवोत्थान एकादशी को फिर वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा करके अपनी अक्षय नवमी की परिक्रमा को संपूर्ण करें। ये जब आप परिक्रमा करते हैं, इसमें आपको वृंदावन से मथुरा जब आप जाते हैं, जब आपको कच्चे रास्ते मिलते हैं, वही कच्चा, वही पुराना वृंदावन, पुराना मथुरा, पुराने घाट, सप्तऋषि घाट, बंगाली घाट, सारे जितने भी घाट हैं मथुरा के, कंस किला, नारद टीला, गणेश टीला, सब आपको मिलते हैं देखने के लिए। और हमको बोर्ड मिल गया वृंदावन का, वृंदावन गोवर्धन का, ये देखिए। आपने सोचा होगा कभी भी कि ये हाईवे से भी, हाईवे भी जो है हमारी परिक्रमा का एक हिस्सा है, बिल्कुल है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन NH2 ये भी हमारी ब्रज की परिक्रमा, अपनी तीन वन की परिक्रमा का हिस्सा है। ये देखिए, सुबह के समय, और यही जो परिक्रमा है वो 23 तारीख को भी हमें देखने को मिलेगी। 23 तारीख को हमारे, जैसा हमारे घर पे हमको बताते हैं कि 21 तारीख को वृंदावन वाले करते हैं तीन वन की, और देवोत्थान एकादशी को मथुरा वाले, मतलब दोनों दिन दोनों जने करते हैं, लेकिन ऐसे ही है, जैसे हम लोग 21 तारीख को लगाते हैं परिक्रमा, और हमारे भैया हैं वो मथुरा रहते हैं, वो देवोत्थान एकादशी वाले दिन लगाते हैं। फिर हमको बोर्ड मिलता है वृंदावन गोवर्धन का, फिर हमको ये श्रद्धालु परिक्रमा करते हुए, बड़े सौभाग्य की बात है भैया परिक्रमा करना, वो भी नंगे पैर, नंगे पैर परिक्रमा करना ठंडे के टाइम में। और इस परिक्रमा का जो डिस्टेंस है लगभग 54 किलोमीटर का बैठता है, 54 से 55 किलोमीटर का। वृद्ध अम्मा भी परिक्रमा का एक हिस्सा, मतलब वो भी परिक्रमा कर रही है। भाई अपने तो आराम से कर सकते हैं, फिर भी हम नहीं कर पाते, ये बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि क्या पता आगे का कुछ पता नहीं भाई, इसलिए कर लो परिक्रमा। कुछ नहीं तो तीन वन की नहीं कर सकते, वृंदावन की तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं, मथुरा की तो कर ही सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते तो भैया राधा दामोदर की परिक्रमा तो कर ही सकते हैं। हमारे वृंदावन मंदिर है राधा दामोदर का, जहाँ की 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा का फल मिलता है, तो वो परिक्रमा तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन वो परिक्रमा भी हम नहीं कर पाते। तो इसलिए भैया आलस को त्यागो, और अम्मा देखो पीछे भी परिक्रमा दे रही थी, भजन गाते हुए परिक्रमा दे रही, और ठंड में कोहरा भी आ गया, देखो यहो। मेरे को भी नहीं पता था कि रात्रि में भी परिक्रमा लगती है, तो हम गोवर्धन से आ रहे थे तो हमको पता चल गया, वरना हमको भी पता नहीं चलती। हम तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, दिन में लगा करें, रात को लग रही है, यहो सब होगा। और यहाँ से छठीगिरा से पहले फ्लाई ओवर नहीं था, तो पहले हम लोग सीधे जाके गरुण गोविंद के लिए मुड़ते थे, लेकिन अभी फ्लाई ओवर बन गया है तो आगे गरुण गोविंद से आगे कट है, तो इसलिए सभी मतलब यात्री जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, यही फ्लाई ओवर के नीचे से मुड़कर गरुण गोविंद के लिए प्रस्थान करते हैं। तो
गरुड़ गोविंद से निकल के फिर वो दोबारा वहाँ पे छटिकरा वाले रोड पर आ जाते हैं और वहाँ से रमन रीति इस्कॉन जो मंदिर है अपना, सॉरी रमन रीति पुलिस चौकी है, वहाँ से अपना वृंदावन की परिक्रमा के लिए फिर चेंज करते हैं। जब तो ये आ गया हमारा मथुरा का मेरा वृंदावन। राधे राधे, जगह गुरु है, बढ़िया लग रहा हूँ ना। तो हम आगे इस समय वृंदावन में, तो अभी हम अपनी वीडियो को आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से गरुड़ गोविंद के मंदिर से जब दर्शन करके आते हैं आगे वो कट है, वहीं से हमको श्रद्धालु मिलेंगे परिक्रमा करते हुए। तो मिलते हैं आपसे आगे। तो आप देखिए ये हमको फिर मिलते हैं यहाँ पर श्रद्धालु जो भैया हैं, तीन भैया हैं, वो अपनी परिक्रमा को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी मतलब जो हमारा जो अब आगे आगे देखते हैं। तो गरुड़ गोविंद से जो श्रद्धालु हैं वो अब देखिए अब आपको देखने को मिल रहे हैं वही परिक्रमा वाले। यहाँ से ये श्रद्धालु चलते जाएंगे और आगे रमन रीति पुलिस चौकी से वृंदावन की परिक्रमा में डाइवर्ट हो जाएंगे और अपनी परिक्रमा को फिर कंटिन्यू करेंगे रमन रीति पुलिस चौकी, बारा घाट से आगे कालीदेह घाट, इमलीतला घाट, जुगल घाट, बिहार घाट, श्रृंगारवट घाट, केसी घाट, पानी घाट, सब घाट होते हुए वृंदावन वाले तो वृंदावन से की परिक्रमा करेंगे और मथुरा वाले निकल जाएंगे चामुंडा देवी मंदिर से मार्ग गया है मथुरा की परिक्रमा का, वो मथुरा में वहां से एंटर हो जाते हैं। तो हम आगे अक्षयपात्र मंदिर से आगे और हमको यह अभी ये भैया कुछ जाते हुए मिलते हैं, ये शायद परदेसी हैं जो दर्शन करने के लिए आए हैं क्योंकि इनके कंधे पे बैग लग रहा है। और हमारे एक बाबा, जय हो। तो ये है हमारा श्री वृंदावन धाम, रात्रि में अब दर्शन कर रहे हैं अक्षय नवमी तीन वन की परिक्रमा के। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि हम लोग ये जो आप इस मार्ग में चलते हैं ना ये परिक्रमा मार्ग है भैया, आप देखो अब परिक्रमा लगा रहे हैं हम सभी, हमने भी लगाई है आज, इस बार नहीं लगा पाया वो बात अलग है, तो परिक्रमा लगा रहे हैं तो यानी ये परिक्रमा मार्ग ही हुआ। ये देखिए जो हो, ये देखो भैया रात्रि में भी परिक्रमा चल रही है खूब। यदि आप ये वाली परिक्रमा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले दो दिन बाद आज 21 तारीख 22 नवंबर 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है, आप उस दिन भी ये परिक्रमा कर सकते हैं या फिर आप केवल वृंदावन की परिक्रमा कर लें तो अभी कोई दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है अपने लिए, लेकिन करें जरूर भाई। हम लोग वृंदावन आते हैं ठाकुर जी के दर्शन करके चले जाते हैं भाई, परिक्रमा तो करो कम से कम, तभी तो आनंद आवेगा। एक परिक्रमा करी सबरी ठाकुरन की परिक्रमा है गई वहाँ है जितने मंदिर हैं अपने इस, ये जो अक्षय नवमी की जो परिक्रमा है तीन वन की, इस परिक्रमा कर ये परिक्रमा करने से अपने वृंदावन के मथुरा के जितने भी मंदिर हैं सबों की परिक्रमा मतलब एक बार में हो जाती है परिक्रमा करने से, इसलिए इस परिक्रमा का अक्षय फल बताया गया है। आगे प्रेम मंदिर, तो प्रेम मंदिर ये आप देखेंगे वही जो परिक्रमा है, वही जो परिक्रमा में जो श्रद्धालु कर रहे हैं वही अपने को मिल रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप देखेंगे यहीं से रमन रेती जो पुलिस चौकी है वहीं से जो अपनी परिक्रमा लेफ्ट हैंड की तरफ जाती है वहीं सब श्रद्धालु मुड़ जाएंगे और अपनी वृंदावन की परिक्रमा में एंटर कर जाएंगे। ये हमारा प्रेम मंदिर, राधे राधे। और फिर से हम अपने परिक्रमा मार्ग में, हम आगे वृंदावन में और यहाँ पर ही आपको गेट जब देखने को मिलता हो जब आप वृंदावन आते हैं और अपनी आगे आगे वृंदावन की परिक्रमा सीधे हाथ पर हम निकलते हैं टल्ला चुंगी की तरफ और लेफ्ट हैंड पर निकलते हैं यमुना जी की तरफ और आप देखिए यहीं से मुड़ते हैं अपने परिक्रमा में।
हाँ यो यो जय जय श्री धाम वृंदावन की जय। ये आ गए हम वृंदावन की परिक्रमा में। जय हो वंशी वारे की, राधा रानी की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। तो भैया आप भी परिक्रमा जरूर करो, वृंदावन आके नहीं है। तो हम आगे इस्कॉन टेंपल से आगे यहाँ बाराघाट की तरफ, और बाराघाट से अपने फिर परिक्रमा मार्ग में कंटिन्यू करेंगे। और ये भैया लगा रहे हैं डंडोती परिक्रमा, जय जय श्री राधे। ये हमारे वृंदावन का प्रथम घाट बाराघाट, ये देखिए जय हो। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि हम वास्तविक वही पुराने वृंदावन में वापस आ गए हैं। लता पता वृक्षावली, ये तो गाड़ी आ गई बीच में। देखो हे आनंद, श्री राधा रानी का नाम, श्री धाम वृंदावन, अक्षय नवमी जैसा पावन दिन, प्रमुख पर्व परिक्रमा परिक्रमा का, राधे राधे। तो मिलते हैं आपसे फिर दोबारा, ठीक है। जब तक के लिए जय श्री राधे।